सभी को जय भीम, जय भारत और जय संविधान। आज सावित्रीबाई फूले साहिबा का जन्म दिवस भी है और हमारे गौतम साहब अध्यक्ष जी का भी जन्मदिन है, तो दोनों की मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। मंच पर आसीन डॉक्टर रितु सिंह, अन्य पदाधिकारीगण और बहुत ही सम्मानित यहाँ पर मौजूद सभी समता सैनिक दल के साथियों, बहनों, बच्चियों और हमारे प्रेस के साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज यहाँ आने के लिए। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख साहिबा ने मिलकर जो काम किया था वो ये था कि ज्ञान प्राप्त करो और महिलाओं के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत में शुरुआत की, बावजूद इसके कि हजारों साल से महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने से महरूम रखा गया था, दूर रखा गया था। ज्ञान प्राप्त किस लिए करना? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा ना कि शिक्षित बनो। किस लिए शिक्षित बनना है? ज्ञान प्राप्त मनुवादी व्यवस्था में भी किया जाता है, किया जाता था। किस लिए किया जाता था? दूसरे के अधिकारों को हड़प लेने के लिए, दूसरों को ज्ञान ना लेने देने की भी वजह यह थी कि उनके अधिकार छीन लेने। तो इसीलिए ये जो ज्ञान प्राप्त करने की वजह है वो गलत वजह है। ज्ञान प्राप्त जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, जो गौतम बुद्ध चाहते थे, जो ईसा मसीह चाहते थे, जो प्रॉफेट मोहम्मद चाहते थे, जो गुरु नानक देव चाहते थे, वो ज्ञान प्राप्त करने की वजह थी इंसाफ और बराबरी के लिए संघर्ष करने के लिए, सभी को न्याय दिलाने के लिए, अपने आप को भी और दूसरे मजलूमों को भी न्याय दिलाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने की महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने ज्योत जलाई थी, जिसकी वजह से आज हमारे देश की, जो डॉक्टर रितु ने भी कहा, राष्ट्रपति महोदया जो है वो महिला। मनुवादियों को भी मजबूरी में महिलाओं को आज राष्ट्रपति तक बनाना पड़ रहा है। ये है शिक्षा की असली वजह और शिक्षा हमें क्यों प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करके अगर उसका प्रयोग ना किया जाए, अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो शिक्षा बेकार, कोई फायदा नहीं है उसका। अगर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो शिक्षा जहर। लेकिन वो शिक्षा अगर बराबरी के लिए, सबको न्याय दिलवाने के लिए इस्तेमाल की जाए तो उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। और यही शिक्षा का असली मकसद है। हम संविधान की बात करते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि संविधान हमारे देश को किस प्रकार से चलाना है, हमारा देश किस तरह से चलेगा, यह है संविधान पढ़ने की वजह। अगर आप समझोगे नहीं कि देश हमारा किस निजाम, कौन सा निजाम, कौन सा तरीका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथियों ने देश को चलाने के लिए दिया है, तो आप उसका फायदा कैसे उठा। तो शिक्षा होनी चाहिए, अपना एनवायरमेंट, अपना जो हालात है, अपना जो माहौल है, उसको समझने के लिए और क्या अधिकार हमारे महापुरुष हमें दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल करने का नाम शिक्षा है। क्योंकि हमारे देश में संपदा इतनी है कि सभी लोगों को अगर बराबर बांट दी जाए तो सभी खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है
कुछ मुट्ठी भर मनुवादियों ने सारे संपदा जो है देश की वो अपने कब्जे में कर रखी है। यही मनुवादी व्यवस्था में, यही मनुवाद में और अंबेडकरवाद में फर्क है और यही लड़ाई है। अंबेडकरवाद संविधानवाद क्या चाहता है कि देश की जो सारी ताकत है वो सब में बराबर की बटे, सब लोग खुशहाल हो। मनुवाद क्या चाहता है कि ये सबका हिस्सा, सबका हक मार के हम अपने पास ले आए। तो समता सैनिक दल, बहुत सारी सेनाएं देश में है आप बाबा साहब के नाम से, बहुत सारी सेनाएं काम कर रही हैं, लेकिन ये समता सैनिक दल एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी सेना है, एक ऐसा दल है जो बाबा साहब ने स्वयं बनाया। आज अगर इस समता सैनिक दल का वो इस्तेमाल देश की भलाई के लिए, हमारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज और दूसरे लोग जो मनुवादी मानसिकता के नहीं, जो अंबेडकर वाली संविधानवादी मानसिकता के, उनको न्याय दिलवाने का जो बीड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तब आज से 100 साल पहले उठाया था, अगर समता सैनिक दल अपना कार्य ठीक से करे तो मुझे इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ना सिर्फ हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, बल्कि हमारे देश के सभी लोग, वो लोग जो मनुवादी मानसिकता के हैं, वो भी खुशहाल रहेंगे। लालच और जो लूटमारी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। तो ये जिम्मेदारी है समता सैनिक दल की, उसके लिए संगठन, और मुझे खुशी है कि संगठन के मामले में समता सैनिक दल आज भी मजबूत है। और मैंने अध्यक्ष जी से अभी कहा भी था कि मुझे अगर लीगल एडवाइजर आप लोग प्रपोज करते हैं तो मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, और मेरी जो भी सामर्थ्य है उसका मैं पूरा प्रयोग करके समता सैनिक दल को बाबा साहब के सपनों की समता सैनिक दल बनाने की कोशिश करूंगा। इसी रास्ते पे हम लोगों ने भी एक सभी संगठनों का एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका काम भी यही है कि संविधान के हिसाब से, संविधान की ताकत से हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को, हर एक बच्चे को, हमारी आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाया जा सके। और इसका काम सिर्फ बड़े लेवल पे नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संविधान का इस्तेमाल करके, देश के कानून का इस्तेमाल करके सभी को खुशहाल बनाने की कोशिश की जाए, चेष्टा की जाए। दूसरा कार्य जो हम लोग कर रहे हैं और मैं चाहूंगा समता सैनिक दल भी वो करे कि तत्काल संविधान सुरक्षा, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी देश भर में और खासतौर पे ज्यादा अन्याय, जुल्म, ज्यादती तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों पर ही होती है, महिलाओं के ऊपर ही होती है, तो जहां कहीं भी ज्यादती जुल्म हो रहा तो हम लोग मौके पे पहुंच तत्काल संविधान की सुरक्षा करें और उस व्यक्ति को या उस महिला को या उस बच्चे को या उस बुजुर्ग को संविधान के तरीके से, संविधान के माध्यम से उसको न्याय दिलवा सकें और उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसे खत्म तुरंत कर सकें। ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोशिश हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि अदालतों में कब जाते हैं आप जब आपका नुकसान हो चुका हो। तो हम ये चाहते हैं कि अदालतों में जाने की जरूरत ही ना पड़े लोगों को, तत्काल संविधान सुरक्षा हो जमीन पे, घरों में। और यहाँ राजेश जी भी उपस्थित है, शायद बैठे हैं, जो हमारे रेड़ी पटरी वाले लोग हैं, हॉकर्स हैं, उनके साथ पूरे देश में बहुत ज्यादती होती है, उनको भी उसी जगह जहां पुलिस और गुंडे तंग करते हैं उन्हें, मौके पे पहुंच के उनकी हिफाजत की जा सके और उनको उनका अधिकार कि वो अपना बिजनेस बगैर किसी डर के, बगैर किसी परेशानी के कर सकें, ऐसा काम हम लोग करना शुरू करें, तभी संविधान का सही इस्तेमाल हम लोग कर पाए। हमें यह समझने की भी जरूरत है कि हम एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर्स, गांव के प्रधान, ये सब जो चुन के भेजते हैं, क्या अगर ये बेईमान हो जाए तो क्या संविधान में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे अधिकार हमें दिलवा सके? ऐसा नहीं है।
अगर ये सब लोग बेईमान भी हो जाए तब भी संविधान में इतनी ताकत है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सके, पर शर्त यह है कि हम संविधान को जाने, हम संगठित बने जैसे बाबा साहब ने कहा, और संगठित होके संविधान के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, अपने ऊपर जुल्म जो रहे हैं उसको तुरंत समाप्त कर सके। तो उसके लिए जरूरत इस बात की है, और मैं महिलाओं से सबसे ज्यादा उम्मीद भी रखता हूं, गुजारिश भी करता हूं कि आप लोग अगर किसी काम का बीड़ा उठाते हैं महिलाएं, तो पूरा परिवार मजबूर हो जाता है कि वो काम करे ही। इसीलिए आपको महिलाओं को नींद लेनी पड़ेगी, महिलाओं को इस काम का बीड़ा उठाना पड़ेगा। एक खास गुजारिश में आप सब लोगों के माध्यम से, प्रेस भी है उसके माध्यम से करना चाहूंगा कि समता सैनिक दल और हमारा मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे संगठन मिलकर एक काम शुरू करें, क्योंकि हमारे समाज में भी डॉक्टर रितु ने भी एक बात कही थी कि जो एमपी एमएलए है, ये जो सरकारी अधिकारी, ये जो पुलिस ऑफिसर्स है, ये सब हमारे नौकरी तो हैं, जनता के नौकर हैं, इनको तनख्वाह हम देते हैं अपनी सेवा कराने के लिए, तो इनके ऊपर निगरानी के लिए हम लोग जहां कोई परेशानी में वहां तो जाएं तुरंत इकट्ठे हो, लेकिन निगरानी के लिए जैसे वो करने जाते ना इंस्पेक्शन, स्कूलों में भी जाते हैं, कोई प्रिंसिपल जाती है कभी स्कूल के अपने किसी क्लास में कैसी पढ़ाई हो रही है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एक ग्रुप बना के मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव महिलाओं की टीम और उसके साथ कुछ वकील पुरुष और या प्रेस वाले, कोई काम नहीं है इलाके के थाने में जाए कि हम लोग मालिक हैं, आए हैं, किस तरह से तुम काम कर रहे हो, कैसे अपनी फाइलें बनाई है तुमने, कैसे यहां दुखों का निवारण करते हो, देखने आए हमसे। ये प्रोग्राम हम शुरू करें, जो एसडीएम होता है ऑफिस या गांव में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, विलेज में पटवारी भी होता है, उसके ऑफिस में जाएं, ग्रुप बना के 10-12 लोगों का, महिलाएं उसको लीड करें कि हम मालिक हैं तुम्हारे, हम देखने आए तुम काम ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे, सिर्फ इतना अगर करना हम शुरू करें, उससे आदत पड़ेगी नौकरों को ये याद दिलाने की, ये उनको महसूस कराने की कि तुम नौकर हो। इस काम को ये एक मिशन के तौर पे शुरू किया जाए, ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं समता सैनिक दल से, ये मिशन के तौर पे शुरू किया जाए, संडे के संडे ही करें, सैटरडे के दिन करें, शाम को करें, दिन में करें जब आपके पास कोई टाइम, लेकिन सर्वे करने जैसे रेड मारने जाते हैं ना लोग, मेरे ऑफिस में भी रेड हुई थी, वैसे आप रेड मारने जाइए, आपका अधिकार है, मैं ये संवैधानिक अधिकार बता रहा हूं, आप लोग किसी भी दफ्तर में जा सकते हो उसका मुआयना करने, निगरानी करने उसकी, ठीक काम नौकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे, और ये काम आप अपने एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर के दफ्तर में भी जाके कर सकते हो। आम तौर पे आप किस लिए जाते हो वहां, क्या हमारा ये काम कर दो, हमारा ये फोन कर दो, राशन कार्ड बनवा दो, ये गली की नाली बनवा दो, कभी आप पिछले भी गए कि नौकर तुम ठीक काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, 2 घंटे जाके बैठो, इस 2 घंटे में एमपी साहब आपने क्या काम किया, ये जाने के लिए ये जाके आप पूछो, एमएलए साहब आपने यहां 2 घंटे जो आप पब्लिक दर्शन करते हो इसमें काम क्या किया, ये जो नालियां खड़ंजे हैं इसका तो बजट सब मौजूद है, आपने क्यों नहीं बनवाई इनका, फिर अफसर अधिकारी के दफ्तर में जाओ, वहां उससे कहो बजट दिखा, क्या बजट पास हुआ है, नाली क्यों नहीं बनी, तो ज्यादातर केसों में आपको मिलेगा कम से कम बड़े शहरों में तो कि सब चीजों का बजट भी पास है, सब चीजों का प्रावधान भी है, लेकिन पैसे चुराने के मकसद से वो काम नहीं किए जा रहे, राजनीतिक गंदी राजनीतिक मकसद से वो काम नहीं किए जा रहे। तो यह है शिक्षा का मतलब, यह है शिक्षा का इस्तेमाल, वरना शिक्षा जुल्म करने के लिए इस्तेमाल हो तो जहर है, वरना शिक्षा अपने पास रखने के लिए भी इस्तेमाल हो तो वो दिल का बोझ होती है, उसका कोई फायदा नहीं है, उस शिक्षा से आप खुद ही घुट के मर जाओ। तो दूसरों के काम जो है शिक्षा, प्रैक्टिकल फायदा जाओ जिस शिक्षा से, और यही सावित्रीबाई फुले का मिशन था, यही ज्योतिबा फुले का मिशन था, यही फातिमा शेख का मिशन था, और बाबा साहब
ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे इसे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए संविधान और ताकत दिलवाने के लिए आम व्यक्ति को बाबा साहब से भी पहले शुरुआत की। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हर किसी ना किसी मैसेज को मैं देता हूं अपने हर एक स्पीच में, उसका थोड़ा थोड़ा अगर पालन भी किया जाए तो मैं समझता हूं उसका बहुत फायदा होगा। और अपने घर में महिलाओं से सबसे गुजारिश है, एक एक बेटी को और जिनके घर में बच्चे हैं, एक एक बेटा और बेटी को संत सैनिक दल और इस प्रकार के संगठनों ईमानदारी से काम करने के लिए, और ये जो हमने भी इंस्पेक्शन बताई है उसके लिए भी जिम्मेदारी लगाए अपने परिवार वालों के लिए, उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी तरक्की के लिए, आपके परिवार की तरक्की के लिए भी आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जितना आप मेहनत करते हो ना अपने परिवार के लिए, अगर ये सामूहिक कार्यों के लिए भी उसका 10% भी काम करोगे तो पूरे समुदाय का भला होगा, पूरे देश का भला होगा और आपके परिवार का भी भला होगा। क्योंकि सामाजिक कार्य करने से जो लोग आपका हक मार के चोरी करके बैठे हुए हैं वो हक भी आप अपने पास लाने की ताकत रख सकोगे। मुझे यही कहना है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय समता सैनिक।